इसराइल हमास युद्ध के बीच एक बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हार्ट अटैक आया है। इस खबर को टेलीग्राम ग्रुप जनरल SBR ने शेयर किया है। इस ग्रुप का दावा है कि वो रूस में रिटायर्ड खुफिया अधिकारियों और क्रिमिनल के अफसरों से ये जानकारी निकलवाते हैं। आपको बता दें कि टेलीग्राम ग्रुप की खबर को कई मीडिया ने कवर किया है। द मिरर, द एक्सप्रेस, द और द ब्रिटानी न्यूज आउटलेट्स ने भी इस खबर को अपनी टीवी पर चलाया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन को रविवार रात करीब 9 बजे बेडरूम के फर्श पर खाने पीने की चीजों के पास गिरा हुआ पाया गया। जब उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने शोर और राष्ट्रपति के फर्श से टकराने की आवाज सुनी तो दौड़कर कमरे में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक हार्ट अटैक के बाद जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गिरे तो वहां टेबल पर रखे बर्तनों पर उनका हाथ लगा, जिसकी आवाज सुनकर उनके सिक्योरिटी ऑफिसर दौड़कर कमरे में आए। जब उन्होंने वहां आकर देखा तो पुतिन फर्श पर पड़े हुए थे और उनकी आंखें पलट गई थी। इसके बाद पुतिन को उनके घर पर ही बने SICU में भर्ती कराया गया, जहां इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद है। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि इस समय व्लादिमीर पुतिन अपने ऑफिशियल रेसिडेंस में एक स्पेशल इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि SICU में है। कार्डियक अरेस्ट के बाद पुतिन को यहीं पर लाया गया था। चैनल का दावा है कि डॉक्टरों ने समय रहते उनकी एक हार्ट की सर्जरी की और इसके बाद पुतिन को होश आया। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पैक्रियास कैंसर से जूझ रहे हैं और उनकी हेल्थ ठीक नहीं है। हालांकि कुछ दिनों पहले पुतिन चीन के दौरे पर गए थे, जहां उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो बीमार हैं।